हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम भद्रा, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाना चाह रहा हूँ। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि, संधि क्या है? संधि को बच्चे समझना है तो बहुत कठिन समझते हैं। संधि नियम के अनुसार आगे बढ़े तो बहुत सरल है। और मैं संधि का परिभाषा, संधि का परिभाषा दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें विकार पैदा होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि में उच्चारण के अनुसार दो अक्षरों या दो वर्णों मिलने से दूसरा अक्षर बनता है, जैसे देव प्लेस आले, देव प्लेस आले, देवालय, देवालय है तो उसको संधि विच्छेद देव प्लेस आलय। देव पहला शब्द अंतिम अक्षर अ, दूसरा शब्द पहला अक्षर आ, प्लेस आ। ये संधि का नियम आ, ये दीर्घ संधि है। इसी तरह मैं बोर्ड पर संधि का परिभाषा लिखना चाह रहा हूं। संधि का परिभाषा संधि का परिभाषा दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनमें विकार पैदा होता है, विकार पैदा होता है, उसे संधि कहते हैं। पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लेस आले, जैसे देव प्लेस आले, देव प्लेस आले, देवालय। देवालय इसमें देवालय को विच्छेद देवप्लेस आलय। पहला शब्द अंतिम अक्षर अ, दूसरा शब्द में पहला अक्षर अ, अ प्लेस अ, आ। दीर्घ संधि का नियम है ये देवालय। संधि, संधि के तीन भेद है। एक दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं। संधि के तीन भेद है। पहला वन स्वर संधि, दूसरा वन व्यंजन संधि, तीसरा वन
विषयक संधि। संधि का परिभाषा, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उसमें विकार पैदा होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद है, पहला वन स्वर संधि, दूसरा वन व्यंजक संधि, तीसरा वन विसर्ग संधि। अभी स्वर संधि के बारे में देखेंगे। पहला वन स्वर संधि, स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के भेद कितने हैं, स्वर संधि का स्वर संधि पहला वन स्वर संधि स्वर संधि दो स्वरों के मेल से परस्पर विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से परस्पर विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से परस्पर विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का दो स्वरों के मेल से परस्पर विकार, विकार का अर्थ क्या है, परिवर्तन, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं। स्वर संधि के पांच भेद हैं। पांच भेद हैं। पहला वन दीर्घ संधि, दूसरा वन गुण संधि, तीसरा वन वृद्धि संधि, चौथा वन ऋण संधि, पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि के पांच भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि, अयादि संधि। इस स्वर संधि पांच भेद है। पांच भेद को हम याद रखने के लिए एक सरल से पद्धति मैं बताना चाह रहा हूं। एक लड़की का नाम दिव्या, लड़की दिव्या बहुत सुंदर नाम है। दिव्या लड़की का नाम हम याद रखे तो ये पांच प्रकार का संधि को याद कर सकते। डी फॉर दीर्घ संधि, आई है तो गुण संधि याद रख लेना, इसमें कुछ नहीं आता। आई फॉर गुण संधि याद रख लेना। V for वृद्धि संधि, Y for ऋण संधि, A for अयादि संधि। इस प्रकार स्वर संधि को हम पांच प्रकार के भेद याद कर सकते। अब स्वर संधि के बारे में देखेंगे। स्वर संधि का जो भी नियम क्या है, स्वर संधि का जो नियम, दीर्घ संधि का नियम दो अक्षरों के मेल से
आ ई ऊ विकार पैदा होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दो अक्षरों के मेल से आ ई ऊ विकार पैदा होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि का जो भी नियम आ ई ऊ ये तीन है, दीर्घ संधि का आ ई ओ। तो हम पहला जो आ का नियम कैसा लिखते हैं, आ प्लस आ आ आ प्लस आ आ आ प्लस अ आ आ प्लेस आ आ। इस प्रकार हम आ का नियम इस चार प्रकार से लिख सकते हैं। इसका उदाहरण राम प्लेस अवतार, रामा अवतार। राम प्लेस अवतार रामा अवतार, इसमें पहला शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरा शब्द का पहला अक्षर। इसमें देखो ये पहला शब्द का अंतिम अक्षर आ है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर आ है। आ प्लेस आ, राम प्लेस अवतार रामा अवतार आ। इसमें संधि का विकार, संधि का परिवर्तन होता है। ये दो स्वरों मिलकर आ बनता है, दो स्वर मिलकर आ बनता है। संधि का परिवर्तन आ में संधि का विकार होता है। दूसरा वन देव प्लेस आलय, देवालय देवालय अ का संधि का लास्ट जो भी अंतिम अक्षर अ आ देव प्लेस आलय देवालय, ये नियम में जो भी बदल सकते हैं। विद्या प्लेस अर्धि, विद्या प्लेस विद्या प्लस अर्धि विद्यार्थि, विद्यार्थि। ओ अच्छा होता नियम है, विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्यालय। इस तरह हम चार प्रकार आ को चार प्रकार के लिख सकते हैं। राम प्लस अवतार, आ प्लस अ, आ प्लस अ अ, आ आ प्लस अ अ। इसमें विद्या अंतिम अक्षर अ, पहला अक्षर अ, विद्या प्लस अर्धि विद्यार्धि। इसमें आ अ अ विद्या अ आ, दोनों मिलकर आ विद्या विद्यालय। इस तरह हम बता सकते हैं। दूसरा इसमें जो भी ए, दूसरा देखो ई को कैसा लिख सकते हैं, E प्लस E, E, E प्लस E, E, E प्लस E, 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 E,
ई प्लेस ई ई। इस तरह हम चार प्रकार से ये नियम भी चार प्रकार से लिख सकते हैं ई को। इसका उदाहरण कवि प्लेस इंद्र, कवि प्लेस इंद्र कविंद्र। इसमें पहला शब्द अंतिम अक्षर छोटी की मात्रा है ई, यहां पर ई ई प्लेस ई ई कविंद्र कविंद्र कविंद्र। ये दूसरा वन कवि प्लेस ईश्वर कविश्वर, कवि प्लेस ईश्वर कविश्वर। कवि कविश्वर। इसमें तीसरा में नारी पे शिक्षा, नारी प्लस इच्छा, नारी इच्छा। इसमें चौथा योगी पे ईश्वर, योगी प्लस ईश्वर, योगी प्लस योगीश्वर। योगीश्वर ई को भी हम चार तरह के नियम से लिख सकते हैं। इसमें ई प्लस ई ई, ई प्लस ई ई। तीसरा ई प्लस ई, यहां पर अंतिम अक्षर ई, पहला अक्षर ई। नारी प्लस इच्छा, नारी इच्छा। यहां पर देखो ई ई ई बड़ी की मात्रा, ई प्लस ई, योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। और दीर्घ संधि में तीसरा उ, तीसरा उ। तीसरा उ को भी हम चार तरह से चार नियम लिख सकते हैं। ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ, ओ प्लस ओ प्लस ओ, ये चार तरह से नियम देख सकते हैं। उदाहरण गुरु प्रदेश, गुरु प्लेस उपदेश, गुरु प्रदेश। गुरु प्रदेश इसमें पहला शब्द में अंतिम अक्षर ओ, दूसरा शब्द में पहला अक्षर ओ, ओ प्लस ओ ओ, गुरु प्लस उपदेश गुरु उपदेश। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी सिंदूर्मी।
सिंदूर में। और तीसरा ये भाई देखो ऊ, ये ऊ यहां पर आया ऊ, ऊ ऊ प्लस ऊ, ऊ सिंधु प्लस ऊ में सिंदूर में। तीसरा वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस वधु प्लस उत्सव वधुस्तव। चौथा वधु प्लस ऊर्मी, वधु प्लस ऊर्मी वधुर्मी। दीन संधि, दीन संधि का नियम आ ए ओ, ये चार अक्षर का जो भी चार अक्षर आ कैसा बनता है, अ प्लस अ, ई ए प्लस ई, ऊ ओ प्लस ऊ, उस तरह ना चार चार नियम में जो भी उदाहरण के अनुसार ऐसा है हम देखें। और दूसरा संधि गुण संधि के बारे में देखेंगे, गुण संधि का नियम क्या है, गुण संधि का नियम गुण संधि का नियम क्या है, गुण संधि का नियम ए ओ अर, गुण संधि का नियम ए ओ अर, ये को हम ये दो स्वर से एक ऐसा बनता है, आ प्लस ए, दोनों पढ़े तो ए, अ प्लस ए, ए अ प्लस ए, ए अ प्लस ये, हम ए को इस तरह ए को दो स्वर, ये दो स्वर से बनता है, एक ऐसा बना है, इसमें भी चार नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं। इसका उदाहरण ये स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा, स्वेच्छा, इसमें पहला शब्द में अंतिम अक्षर अ, दूसरा शब्द में पहला अक्षर अ प्लस, अ प्लस ए, अ प्लस ई ये, सो अ प्लस इच्छा स्वेच्छा, संधि का विकार ये स्वेच्छा, ये दो स्वर से कैसा बनता है, अ प्लस ई ये, सो अ प्लस इच्छा स्वेच्छा। दूसरा वन, दूसरा वन गणेश, गन प्लस एज, गन प्लस, गन प्लस ईश, गणेश, इसमें अंतिम अक्षर अ, पहला अक्षर ई, ए गन प्लस इस गणेश, महेंद्र,
हमारा प्लेस इंद्र महेंद्र महा आ ए ए महा प्लेस इंद्र महेंद्र महेश महेश कौन से संधि गुण संधि महा प्लेस ई महा प्लेस महेश महेश। इस तरह हम ये को लिख सकते हैं। उसी तरह वो भी कैसा बनता है, वो दो स्वर से हम कैसा लिख सकते हैं, दो स्वर से हम कैसा लिख सकते हैं। वो आपस वो आपस वो ओ ये दोनों मिला के पढ़ो आपस वो ओ आपस वो ओ आपस वो ओ आपलेस ओ आपलेस ऊ ओ। इसी का चार नियम से उदाहरण के अनुसार हम बता सकते हैं। जो भी देखो पहला क्या है परप्लेस उपकार, परप्लेस उपकार परोपा परोपकार। इसमें देखो पर अंतिम अक्षर आ अंतिम अक्षर पर अंतिम अक्षर अ अ दूसरा शब्द पहला अक्षर उ उ आपलेस उ ओ परप्लेस उपकार परो संधि का विकार ओ परप्लेस उपकार परोपा वे संधि का विकार होता है। समुद्र प्लेस ओमी समुद्र प्लेस उर्मी समुद्र उर्मी तीसरा महाप्लेस उदय महाप्लेस उदय महोदय चौथा गंगा प्लेस ऊर्मी गंगा प्लेस गंगोर्मी गंगोर्मी गंगा प्लेस उर्मी गंगोर्मी। इस तरह हम ओ को भी ले सकते हैं। पर प्लेस उपकार परोपकार पर अ प्लेस उ ओ परोपकार ओ संधि का विकार ओ समुद्र समुद्र अ प्लेस उ ओ समुद्र उर्मी महा प्लेस उदय आ प्लेस उ ओ महोदय गंगा प्लेस ओर्मी गंगोर्मी। और गुण संधि में और एक नियम अर अर नियम को दो तरह से लिख सकते हैं। अ प्लेस री अर आ प्लेस री अर। इसका उदाहरण
देव प्लस देसी, देव प्लस देवस ऋषि, देवस देवर्षि, देवर्षि महाप्लेस ऋषि, महाप्लेस महर्षि। ओ अलका दो नियम है। तीसरा संधि वृद्धि संधि, तीसरा संधि वृद्धि संधि देखेंगे। तीसरा वृद्धि संधि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का नियम आई औ, आई औ, ये आई औ दो स्वर से कैसा बनता है। आई आपने सो, औ आपने सीए, आई आपने सो औ। देखो आई कैसा बनता है, आ प्लस ए, आई अ प्लस आई, आई आ प्लस ए, आई आ प्लस आई, आई। ये को हम चार तरह नियम से लिख सकते हैं। इसका उदाहरण आई दो स्वर से बनता है, आ प्लस ए आई, उसी तरह इस तरह ए प्लस ए। इसका उदाहरण ए प्लस एक, एक 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 एक, इसमें अंतिम अक्षर अ, पहला अक्षर ए, आपने से आई एक एक। मत प्लेस आई के, मत आई के, मत आई के, मत अ आई आई, मत प्लस आई मत आई। सदा प्लस, सदा प्लस एव सधव, सधव राजा प्लस ऐश्वर्य, राजेश्वरी, राजेश, राजेश्वरी। एक नियम इस तरह हम ले सकते हैं, एक प्लस एक, एक एक, मत प्लस एक मत एक, सदा प्लस एव सदव, राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वरी। अब दूसरा औ का नियम कैसा, ये औ भी कैसा बनता है, ये औ कैसा बनता है, दो स्वर से बनता है। आ प्लस औ, आ प्लस ओ, औ आ प्लस औ, औ आ प्लस ओ, औ आ प्लस ओ, आ प्लस औ
औ औ हम इस तरह दो स्वर से औ को लिख सकते हैं। इसका भी उदाहरण सुंदर प्लस उदान, सुंदर प्लस उदान, सुंदर उदान। इसमें देखो सुंदर, सुंदर में पहला शब्द का अंतिम अक्षर अ, ये दूसरा शब्द में पहला अक्षर ओ, आ प्लस ओ औ, सुंदर प्लस ओदन सुंदर उदन। इसमें जल प्लस अवसर, जल प्लस अवसर। जल अवसर तीसरा महाप्लेस ओद, महाउद। और एक महाप्लेस औषद, महाप्लेस औषद, महोषद। महोषद औ को इस तरह लिख सकते हैं। औ दो स्वर से इस तरह चार नियम के अनुसार बनता है, सुंदर प्लस उदर सुंदर उदर, जल प्लस औषद जल औषद, महा प्लस ओद महाउद, महा प्लस औषद महौषद। और चौथा संधि यन संधि, चौथा कौन सा संधि है यन, चौथा यन संधि चौथा यण संधि चौथा यण संधि य र व। यण संधि का जो भी नियम या यण संधि का नियम कैसा याद रख लेना, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला या य र ल व जो भी उसके एक क्रमानुसार लिख सकते हैं य र ल व, उसी तरह हम यण संधि या अक्षर से शुरू होता है य र ला, ला इसमें नहीं आता है, इसमें नियम में ठीक से हिंदी वर्णमाला में हम क्रमानुसार य र ल व, लेकिन इसमें ला लोप होता है, य र ला को निकाल दो य र व, बहुत सरल से हम याद कर सकते हैं। यण संधि, यण संधि को या को हम कैसा लिख सकते हैं, जो भी दो स्वर से बनता है, या दो स्वर से बनता है कैसा बनता है, या ई प्लस ई प्लस ई प्लस अ ई प्लस ओ यू ई प्लस O U E plus A A E plus M। इस तरह हम
या दो स्वर से बनता है, इस तरह हम देख सकते हैं। इसका उदाहरण उदाहरण या अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक अत्यधिक। इसमें देखो अति प्लस अधिक, इसमें क्या है, पहला शब्द अंतिम अक्षर ई, इसमें क्या है आ, ए प्लस या, उसी तरह ये दोनों को अति प्लस अधिक संधि का विकार परिवर्तन कैसा देखो, ए ए ओ, इसमें अति प्लस अधिक पहला आ कैसा है ऐसा लिख देना, तो इसमें ई प्लस आ क्या होता या के आगे ये मात्रा त, त को या के आगे मात्रा लिख देना, अति प्लस अधिक अत्यधिक, इस तरह हम लिखना। और दूसरा परिप्लस परिप्लस अवरण पर्यावरण, पर्यावरण इसमें देखो ई पर्य ई प्लस या, इसमें ये नियम के अनुसार जो भी पहला अक्षर दूसरा अक्षर में आ उसी तरह या के बाजू में आ का मात्रा ये रा का मात्रा इस तरह ऊपर लिख सकते हैं, परिप्लस आवरण पर्यावरण संधि का परिवर्तन। और प्रतिप्लेस प्रतिप्लेस उपकार प्रत्युपकार, प्रतिप्लेस उपकार प्रत्युपकार, प्रत्यु प्रत्युपकार ई प्लेस ए प्लस वो, ए प्लस वो इसमें देखो संधि का परिवर्तन, ए प्लस वो या यू यू के टाटा मात्रा प्रत्यु प्लस उपकार, ये छोटी मात्रा ये दो लोप है तो प्रत्यु प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। नी प्लस उन न्यून ए ऊ न्यून ए प्लस ए प्रति प्लस एक प्रति प्लस प्रत्येक प्रति प्लस अंग प्रत्यंग प्रत्यंग, या को हम या दो स्वर से इस तरह लिख सकते हैं, उसका उदाहरण भी ऐसा संधि कहां पर परिवर्तन होता है इस तरह इसको याद रख लेना। दूसरा दूसरा र दूसरा रा कैसा बनता है देखो, र रिप्लेस रिप्लेस अ र रिप्लेस अ र रिप्लेस ओ रु, इस तरह या दो स्वरों से हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका उदाहरण
पितरों के सहमति। पितरों के पित्रोप्लेस अनुमति, पित्रानुमति, इसमें री रिप्लेस क्या होता है र, रिप्लेस पित्रोप्लेस अनुमति पित्रा प्लेस पित्रोप्लेस अनुमति पित्रानुमति। दूसरा वन पितृप्लेस आदेश, आदेश पितृप्लेस आदेश पित्र पित्र देश। तीसरा मातृप्लेस उपदेश, मातृपदेश। इस तरह रा को इस तरह हम याद कर सकते हैं। यंग संधि में और तीसरा वा नियम कैसा है, वा का नियम कैसा आता है। वा का नियम वा को दो स्वर से कैसा लिख सकते हैं, वा ओ प्लस अ, वा ओ प्लस, ओ प्लस अ वा, और ओ प्लस अ वा, ओ प्लस ए वी, ओ प्लस ए वी। इसका उदाहरण सो प्लेस अच, सो प्लेस अच, स्वच्छ, सो प्लेस अच, स्वच्छ। देखो सो प्लेस अच स्वच्छ, सो ये ओ इसमें नियम में पहला अक्षर ए अंतिम देखो ओ, दूसरा शब्द में पहला अक्षर अ, ओ प्लस अ व व, ओ प्लस अ व, ऐसा को सु प्लस अच्छा सा का वा के आगे सा का वे ए व्यंजन चिन्ह लेकर बस हो जाता, सु प्लस अच्छा स्वच्छ। ये वा कैसा बन रहा, ओ प्लस अ व, ये सा को पूरा नहीं, सा का व्यंजन चिन्ह क्या था, सा का स, सा को हम व्यंजन चिन्ह कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह सो प्लस अच्छा स्वच्छ वा, उसके आगे सा का स्वच्छ, इस तरह हम संधि का परिवर्तन होता है। दूसरा सो प्लस आगे, सो प्लस आगर स्वागत, सुप्ले स्वागत स्वागत। तीसरा अनुप्लेस इति, अनुप्लेस इति, अनुप्लेस इति अन्विति, अन
अंगविधि। इसमें देखो ये अंतिम अक्षर ओ, ओ प्लस ई, क्या होता वी, ये वी हो रहा। ये यहां पर ना है, ना का जो भी व्यंजन चिन्ह साइसर उसी तरह अनुपस्थिति अनविधि अनुप्लेशन अनुप्लेशन अन्वेषण अन्वेषण अन्वेषण। वह दो अक्षर दो स्वर अक्षर से कैसा बनता है, इस तरह लिख सकते बनता है, उसका उदाहरण ऐसा संधि का परिवर्तन कैसा रहता है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। और पांचवा संधि अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि का नियम क्या है? अयादि संधि का नियम, अयादि संधि का नियम पहला वन आई आई आई, दूसरा आओ आओ आवी आवी आओ। इस तरह अयादि संधि का नियम आई 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 आओ आओ अभी आओ, ये नियम को ये नियम कैसा दो स्वर से कैसा बनता है, ये कैसा बनता है देखो, ए प्लस आई प्लस आई आई प्लस इसका उदाहरण, इसका उदाहरण ने प्लस अन, ने प्लस अन नयन नयन। इसमें देखो ये प्लस आई नयन, ना ना के ऊपर ए के मात्रा है, ना प्लस ए नी, यह कैसा आई कैसा बनता है आप यह पर क्या है ये प्लस आ आई ने प्लस अन नयन। संधि का विकार जो भी यहां पर देखो ये प्लस यहां पर क्या है पहला अक्षर आ, ये दो मिले तो क्या होता ये हो आई आई या आ गया, इससे नाम ही आ भी है, उसी तरह ने प्लस सन लिखे तो नयन, ने प्लस सन संधि का विकार नयन, कौन सा संधि है अयादि संधि। नायक नायक नई प्लस नायक, तीसरा गायिका गई प्लस इका गायिका। इस तरह आयु संधि में पहला इस तरह ए
जो स्वर से इस तरह बनता है उसका उदाहरण संधि का परिवर्तन है, इस तरह बनता है। इसमें देखो नई प्लेस अर्क, इसमें आई की मात्रा आई प्लस आई हाँ है यहाँ पर अ, सो नई प्लेस अर्क नई गई प्लस इकार, गई गई प्लस इकार यहाँ पर आई की मात्रा है, आई आई प्लस इका गायिका इस तरह। और दूसरा दूसरा क्या है देखो, ऐसी संधि में ये कैसा बनता, ओ प्लस ओ प्लस औ प्लस अ ओ प्लस औ प्लस औ प्लस अ इस तरह ये दो स्वरों से इस तरह बनता है। इसका उदाहरण देखेंगे, भवन बो प्लस अन भवन, इसमें ओ भवन, इसमें नियम में क्या है भवन बा के बाजू में ओ का मात्रा ओ रखे तो बस बो, अंतिम अक्षर में पहला अक्षर क्या है आ, बो प्लस आ क्या होता आओ, सो बो प्लस अन भवन, पाओ प्लस अन भवन, पवित्र पो प्लस इत्र पवित्र, बो प्लस उक भावुक भावुक, इस तरह इसमें अहेज संधि में ये दो स्वर से बनता है, बो प्लेसन भवन पोप्लेसन पवन पोप्लेस इत्र पवित्र बोप्लेस उक वावुक, ये आइए सभी को इस तरह हम याद रख लेना। जो भी मभी स्वर संधि हुआ, फिर आओ एक बार देखो संधि, संधि के तीन भेद है, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि परिभाषा, दो स्वरों के मेल से परस्पर विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच भेद है, पांच भेद स्वर संधि पांच भेद याद रख लेना है, तो क्या है लड़के के नाम बताया मैं क्या है वो दिव्या, डी फॉर दीर्घ संधि, आई फॉर गुण संधि, ऐसा याद रख लो नहीं आ रहा, वी फॉर वृद्धि संधि, वाई फॉर यण संधि, ए फॉर संधि, इस अलग पांच प्रकार संधि को याद रख लेना। अगले क्लास में व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे। थैंक यू।